से ज्ञान मांगने आए हो, तुम ही तो इस माया को रचने वाले हो। मैं रावण, लंकापति रावण, जिसने अपनी शक्ति और अपने तप के बल पर इस सारे सोने की लंका को जीता है, और उस रावण से तुम ज्ञान मांगने आए हो। तो राम, अगर तुम आ ही गए हो याचक बन के, तो रावण के द्वार से तुम खाली नहीं जाओगे, क्योंकि जो मेरे पास आ गया वो खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं लंकेश हूं। और लंकेश तो महाकाल का भक्त है, जिसने खुद तपस्या करके उस भोलेनाथ, उस शिवजी को प्रसन्न कर लिया। और तुम दो वनवासी भाई जो यहाँ पर आकर मेरे साथ युद्ध कर और मेरे सारे परिवार, मेरे कुल का नाश कर आज मेरे साथ आए हो, और आज मेरी मरण छत पे तुम ये सब मुझसे जानना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं। तो अब मैं बताता हूं तुम्हें कुछ ज्ञान की बात। तो यहाँ राम उनसे आखिरी थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि जल्दी से कर दो, जल्दी से। हाँ नहीं, ये प्ले तो चलने दो, बस लगेंगे 2 मिनट लगेंगे, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लोजिंग टाइम हो गया। ओके तो रावण को कहता है कि हे राम, अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये जो शक्ति का मद है, ये तुम्हारी माया ही इसको अहंकार में बदलती है। मैं भी जब शक्ति के मद और अहंकार में, तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर पाए, तो मैं रावण भी उसी अवस्था में, मैंने भी शक्तियाँ अर्जित की और उसी शक्तियाँ से अहंकार पाया और उस अहंकार को भोगा, और उस अहंकार के वजह से अपने कुल का भी नाश कर लिया, लोगों पर अत्याचार भी किए, धर्म को छोड़कर अधर्म पर भी चला हूँ। तो हे रावण, सॉरी थोड़ा सा, कोई नहीं, कट जाएगा सारा। तो अधर्म के रास्ते भी, तो लेकिन रावण ने जिस तरह से शक्तियां भोगी है, उसी गर्व के साथ दंड भी भोगेगा। हे रावण, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो। हंसी